किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, 13वीं संस्कार किया जाता है। वहीं यूपी के संभल के एक गांव से पशु प्रेम से जुड़ी एक ऐसी ही खबर आई है जहां एक परिवार ने अपनी बैल की मौत के बाद उसका 13वीं संस्कार कराया और उसकी समाधि बनवाई और बैल की आत्मा की शांति के लिए रामायण पाठ भी करवाया। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रेम, इंसानियत, मोह, ये वो जज्बात हैं जो बदलते वक्त के साथ मानो कहीं खो रहे हैं। लेकिन ऐसे ही दौर में यूपी के संभल के सिरकोरा गांव से एक ऐसी खबर आई है जो ये यकीन दिलाती है कि संवेदनाएं अब भी मरी नहीं हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गांव के एक परिवार ने अपनी बैल की मृत्यु के बाद उसका 13वीं संस्कार कराया है। किसान पप्पू यादव ने 12 साल पहले बैलों का एक जोड़ा खरीदा था। इनमें से एक बैल, जिसे प्यार से रामू कहकर बुलाया जाता था, उसकी कुछ दिन पहले मौत हो गई। बैल रामू की मौत से पप्पू के घर में मातम छा गया। ऐसे में घर के सभी लोगों ने बैल रामू का 13वीं संस्कार विधि विधान से कराने और बैल की समाधि बनाने का निर्णय लिया। 13वें संस्कार के बोझ में इलाके के करीब 3000 लोग पहुंचे। वहीं इससे पहले बैल की आत्म शांति के लिए रामायण का अखंड पाठ भी कराया गया। हमने ये इसलिए रखा कि लोग पशुओं को ना कुछ भी नहीं समझते, एक मक्खी की तरह उसको कटवा देते हैं, उसको पालते हैं, उसका दूध पीते हैं और एक बच्चे की तरह तो उसको पालते हैं। फिर अगर उसने दूध देना बंद कर दिया या गाय का मतलब उससे बीमार हो गया किसी तरह से, वो खेती में काम नहीं कर पाया तो उसको कटवा दिया। लेकिन हमने ऐसा नहीं, ये लोगों को ये पता चलना चाहिए कि इससे हमने कमाई खाई तो किस तरह से हमने इसको इसके साथ में कराया है, जैसे अपने फादर के कराया उसी तरह से इसका कराया है, इससे हमारा बहुत ज्यादा प्यार था। इसी के साथ पप्पू और उसके परिवार ने पशु प्रेम की एक मिसाल पेश की है जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय भी बनी हुई है। दरअसल पप्पू का परिवार उन लोगों को संदेश देना चाहता है जो पशुओं की तस्करी करते हैं या फिर पशुओं के साथ क्रूरता से पेश आते हैं। ऐसे पशुओं के बारे में हमने कोई ऐसा नहीं देखा, इतना परोपकार होते हुए बहुत बड़ा परोपकार किया है और समाधि भी बनवाई है और बहुत पप्पू को बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने जो है समाज को ये मैसेज दिया है कि लोग जो है तस्करी कर रहे हैं, तस्करी नहीं कर रहे हैं, मतलब जो है इसकी बैल उसमें क्या खत्म हुआ, उसकी 13वीं मतलब जो है अंतिम संस्कार करके उसकी 13वीं की है और जो है समाज के लिए ये बहुत बड़ी मतलब जो है वो होगी कि ये समाज में ऐसा काम हो रहा है, तस्करी वगैरह रुक जाए। इससे हमारा ये बैल था, इसको हमने खत्म हो गया तो हमने इसकी समाधि बनवाई है और लोगों को संदेश देने के लिए कि इस तरह से कटान रुके हमने ये किया है। पिछले 12 साल से पप्पू यादव की खेती और उन्नति के लिए बैल ने उनके साथी के तौर पर काम किया तो उन्होंने भी बैल को अंतिम विदाई पूरे विधि विधान से दी। भले ही यहाँ बात बैल से जुड़ी है पर ये उन लोगों के लिए एक सीख है जिन्होंने जानवर तो दूर की बात है, इंसानों और इंसानियत की कद्र करना भी छोड़ दिया है। सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7 संभल।